नमस्ते बच्चों, इस साल भी कोविड-19 महामारी की वजह से देश भर में वाचन सप्ताह समारोह यानी कि रीडिंग वीक सेलिब्रेशन ऑनलाइन मोड में हुई है। आज घर बैठते ही ई बुक के जरिए हम सारी रचनाएं पढ़ सकते हैं। चलो अब वाचन के महत्व जानकर आगे बढ़ेंगे। पुस्तक पढ़ने से हमारा ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान अंधेरे को प्रकाश बना देता है, ये हमारी बुद्धि को तेज करते हैं। वाचन से हमारी जिंदगी उन्नति की ओर बढ़ते हैं। चलो अब हमारे स्कूल के बच्चों के कार्यक्रम देखते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है राजवीर। मैं दूसरी कक्षा में पढ़ रहा हूँ। मैं आज बाबूलाल शर्मा प्रेम के एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। बादल दानी चम 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 के बिजली रानी, उठी गगन में घटा सुहानी। बादल दानी खूब चमाचम बरसो पा। प्यासी चिड़िया प्यासी गैया खाली है सब ताल तलैया, सूखे घाट पड़ी है नैया, खुली मछलियों को हैरान। बादल दानी धन्यवाद। मैं नाम है सुप्तिखर, मैं बता तीन कक्षा में। मैं कविता का नाम है घर पर भी चलती है। कवि का नाम है दिमिश रमेश। अगर पैर भी चलती होती कितने मजे मारी होती, बात करने में उसकी चाहे चार कहीं भी ले जाते, या कहीं भी धूप सताती उसके नीचे जल सुस्ताते, चाहे चाहे की कहीं भी बर्स हो जाती उसके नीचे छुप जाते। धन्यवाद। नाम नरेंद्रन है, मैं 6th क्लास में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, चलो शुरू करते। एक जमाने की बात है, एक गांव में ढेर सारे मुर्गे रहते थे। गांव के एक लड़के ने किसी एक मुर्गे को तंग कर दिया। मुर्गा परेशान हो गया, उसने सोचा अगले सुबह मैं आवाज़ नहीं करूँगा, सब लोग सोते रह जाएंगे, तब मेरी हिम्मत सबको समझ में आएगी और मुझे कोई तंग नहीं करेगा। मुर्गा अगले सुबह कुछ नहीं बोला। सभी लोग समय पर उठकर अपने अपने काम पे लग गए। इस पर मुर्गे को समझ में आ गया कि किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता, सबका काम चलता रहता है। मेरा नाम विश्वनाथ कैश, मैं प्रेमचंद का नर्मला नामक उपन्यास के बारे में बताना चाहता है। हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए प्रेमचंद का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। उनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है निर्मला। इसमें पति पत्नी के बीच में होते गलत फहमी से परिवार का बर्बादी बताया गया है। भले ही यह उपन्यास 90 साल पहले ही लिखे गए हो, लेकिन आज भी हमारे आसपास ऐसे बहुत लोग मौजूद हैं जो अपने ही परिवार पर शक करके खुद ही अपने परिवार को नष्ट कर लेते हैं। धन्यवाद।